29 जून से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने आज शाम 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खुफिया एजेंसियों से आला अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी और जम्मू कश्मीर के DGP इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मनीष शुक्ला है ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनीष, अमरनाथ यात्रा चूंकि उस जगह से शुरू होती है, श्रीनगर से ही इसकी एक तरह से शुरुआत आगे बढ़ती है, क्या ये कहें कि वहां के हालात को देखते हुए इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं? क्या जानकारी, किस तरह के इनपुट्स? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान से तमाम टेरर ग्रुप काफी एक्टिव है, उनको मदद मिल रही है। तो ऐसे वक्त में ये भी इनपुट है कि जो अमरनाथ यात्रा होती है वो वैली में, वहां श्रद्धालु जाते हैं और उस वैली में अमरनाथ यात्रा पे जो श्रद्धालु हैं उन पर अगर अटैक हो जाता है तो दंगे जैसी स्थिति हो जाएगी और आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा ना होने दिया जाए। तमाम ऐसे इनपुट्स आए हैं। तो के लिए चूंकि यात्रा 29 जून को शुरू हो रही है, उससे पहले आज गृह मंत्रालय 3 बजे एक बैठक कर रहा है जिसमें स्थिति की समीक्षा की जा रही है कि जहां जहां जो यात्री रुकेंगे उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, कहां पर कैंप बनाया जाए ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो और अमरनाथ यात्रा सही तरीके से संपन्न की जा सके। चलिए, जानकारी देने के लिए मनीष बहुत बहुत धन्यवाद।